हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज भैया ऐसा है कि हमारा जो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर आखिरी तक देखिए भैया। आज हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं अपने सारे पोकेमोन लगभग। मतलब आज ऐसा है कि मैंने जो पोकेमोन स्टार्टिंग से पकड़े हैं और जो मुझे लगते थे कि कभी आगे जाके काम आएंगे या फिर और अच्छे मिल जाएंगे, तो उनको मैंने रखा हुआ था। सो गाइस, लकी एक फोड़ दिया है और एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो पोकेमोन्स आपके सामने आ रहे हैं, आप इनके नाम पढ़ते रहना और मैं बताता रहूँगा ये इवॉल्व हो रहे हैं। और इनका एक और इवॉल्व, कुछ पोकेमोन की फाइनल स्टेज आएगी, कुछ की ऐसी कि कैंडीज थोड़ी सी कम है, पर मैं इवॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि भाई लकी एक फोड़ा है। तो लकी एक फोड़ने पर क्या होता है कि हमें डबल एक्सपी मिलेगी। सो गाइस, ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है अपनी लेवल अप करने का। अगर आपको पोकेमोन मिला, उसकी कैंडीज भी आपके पास इवॉल्व होने की रिक्वायरमेंट के बराबर है और आप वो देख के इवॉल्व कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गलत हैं। आप क्या करें, वेट करें। वेट कैसे करें, आप ये देखिए कि आपको कब इवॉल्व करना है। क्योंकि आप एक इवॉल्व करेंगे आपको 1000 एक्सपी मिल जाएगी, अगर वो पहली बार इवॉल्व हो रहा है तो। पर वो 1000 एक्सपी का क्या करोगे आप, जबकि उस 1000 एक्सपी की जगह पर आप 2000 एक्सपी ले सकते हो। और एक इवॉल्व के लिए आप लकी एक फोड़ रहे हैं तो भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल मत करें। आप पहले इकट्ठे करें 20-25 पोकेमोन ऐसे कर लें जिसको आप इवॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, आपके पास पोकेमोन भी इवॉल्व हो जाएंगे, प्लस आपका लेवल भी बढ़ेगा। सो गाइस, ये है मेरे पास फ्लैफी। सो फ्लैफी का एक जो पहला रूप था मारिप, तो फ्लैफी मेरे पास सबसे पहले आई थी, तो मैं सोचा था भाई इसको इवॉल्व करेंगे, पर कैंडीज नहीं थी। फिर एक दिन मेरे को मारिप मिली, तो मैंने देखा अरे मारिप का इवॉल्व फ्लैफी है। तब मैंने उसको स्टार्ट किया कलेक्ट करना। फिर एक दिन ऐसा आया कि मारिप की लाइन लग गई। यार अभी कुछ ही एक वीक पहले की बात है, इतने मारिप आ गए, मैं उनको इकट्ठा करता गया। मेरा टारगेट यह था कि जिस दिन मैं मैजिक कार्प को इवॉल्व करूँगा, उस दिन बाकी सारे पोकेमोन इवॉल्व कर दूँगा। पर गाइस, ऐसा हुआ कि मैं कर नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसको मैंने आज सोचा कि आज भाई कोई इवेंट भी नहीं है, आज कुछ नया भी नहीं आ रहा है गेम में, आज सिर्फ एक अपडेट आया है जिसमें आप एक बार में पूरी सीपी बढ़ा सकते हैं। बस उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडीज होनी चाहिए, जितनी कैंडीज रिक्वायर है उतनी होनी चाहिए। आप एक बार में ही आप जितने लेवल पे हैं उस लेवल के हिसाब से उस पोकेमोन की सीपी कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे पास बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन वाले पोकेमोन हैं और कुछ फेवरेट में है, कुछ ऐसे जो फेवरेट में नहीं है और उनको मैं इवॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस, आज मैं कुछ ऐसे पोकेमोन इवॉल्व करूँगा जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है, सभी को है, जो सभी को चाहिए। क्योंकि भैया पोकेमोन है ही ऐसे इतने मस्त, इतने ज़बरदस्त, उनके लिए जितना बोले उतना कम है। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और इनमें से मैं पक्का श्योर हूँ कि आपके पास कुछ पोकेमोन आप पहली बार भी देखेंगे जो पहली बार इवॉल्व हो रहे हैं। अब जैसे ये वाला है, ये पोकेमोन बहुत लोगों ने देखा होगा पर इसका इवॉल्व वाला रूप खुद इवॉल्व नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस, नहीं देखा होगा। सो गाइस, मेरी बस इतनी है आपसे गुजारिश कि वीडियो जब ख़त्म हो तब आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें यार और लाइक पेल दें। देखते समय भाई करता कोई नहीं है, मैं डेली ये बात बोलता हूँ पर कोई नहीं कर रहा है। अब टटवीक है, टटवीक का जो तीसरा रूप है भाई बहुत लाजवाब है, पर आज हम लोग दूसरे तक ही रहेंगे क्योंकि कैंडीज की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं है। सो गाइस, मैं वेट कर सकता था कि जब तक इसका मैक्सिमम इवोल्यूशन ना आ जाए, पर बात ऐसी है कि भाई लकी एक आजकल में 1 घंटे तक चलता है, तो 1 घंटे तक चल रहा है तो भाई पूरा इस्तेमाल किया जाए, अगली बार भाई और पोकेमोन्स आ जाएंगे। सो भाई हिप्पोपोटस,
बहुत ही गजब पोकेमोन बनने वाला है। इसको मैंने कल इवॉल्व किया था जो कि 2500 प्लस में है। ये जो है 600 सीपी का है। इसको इवॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उससे बेस्ट है। इसके पास जो इसकी आईवी है ना वो पूरी कंप्लीट है, मतलब 96-97 है इसकी आईवी। इसको इसलिए कर रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा कम का बना है, पर जो वो वाला है वो 25 नहीं 24 समथिंग का तो है। इसको भी मैं इवॉल्व कर चुका हूँ, पर जो इसको मैंने इवॉल्व किया है वो सीपी देख के इवॉल्व किया था, उसकी सीपी अच्छी थी, पर ये सीपी प्लस आईवी है इसके पास, इसकी आईवी अच्छी है। सो गाइस ये जो इवॉल्व होगा, ये जो फाइट करेगा पीवीपी, जैसे ही बैटल आएगी इसका एक अलग ही स्टाइल होगा, इसके अटैक्स अलग होंगे, इसका डिफेंस जो सुपर इफेक्टिव होता है ना, जो सुपर इफेक्टिव में जो हेल्थ जाएगी उसकी थोड़ी कम जाएगी उसके कंपेयर में। पिपलुप भाई, पिपलुप है, कल बहुत मिला मुझे, कल जो इवेंट था इंसेंस डे उसमें कल बहुत ज़्यादा मिल गया, पर जो भी मिले यार उनकी यार आईवी अच्छी नहीं थी, तो ये मेरे पास पहले से था तो मैं इसी को रोल कर रहा हूँ, बाकी सबको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। उसका थर्ड रुपयर ऑसम है, मैं उसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ पर अभी तक मेरे पास है नहीं और अभी भी नहीं है, तो करेंगे उसका भी। अभी जितने भी थर्ड वर्जन वाले हैं इनको इकट्ठा करेंगे, एक दिन इन सबको इवॉल्व करेंगे जो इनकी कैंडीज हो जाएंगी। गोथीटा भाई, एक साइकिक इवेंट आया था ट्रिक वाला इवेंट, उसमें बहुत मिले थे, तो उस टाइम मेरे पास थी भाई, उसके बाद ही कभी नहीं मिले मेरे को। वो फेस वाला कुछ था यार इवेंट, उसमें सारे साइकिक पोकेमोन आ रहे थे, तो मैंने उस टाइम नहीं किया इवॉल्व, मैंने वेट किया, क्योंकि जितना वेट करेंगे भाई, पेशेंस जो है ना वो आपको हर चीज़ दिला सकता है दुनिया में, हर चीज़। लेवल 40 तो कुछ भी नहीं है, बस पेशेंस रखिए। जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप, मुझे पता है यार, जैसे आपका अच्छा पोकेमोन आता है, जैसे उसके रिक्वायरमेंट वाली कैंडीज पूरी होती हैं, हम इवॉल्व कर देते हैं, करना भी चाहिए यार। पर क्या है, अगर आप ये सोचें उसको इवॉल्व करेंगे आपको 1000 XP मिलेगी, पर अगर आप ये सोचें कि मैं ऐसे 5-6 पोकेमोन 10-12 कम से कम 20 पोकेमोन अगर आप इकट्ठे कर लें और तब इवॉल्व करें, भाई आज इवॉल्व कर लोगे बैटल में जीत जाओगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बैटल में आज हार भी जा रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं जा रहा यार, कुछ नहीं खो रहे आप लाइफ में, नथिंग इज मिसिंग। पर अगर आप एक टाइम पे करते हैं, सिस्टमेटिक वे पे करते हैं, तो कुछ खास मिल भी नहीं रहा पर खुशी ज़रूर मिलेगी। जब ये वीडियो ख़त्म हो रही होगी तो आप देखना जो मेरे XP में चेंजेस आएंगे, जो XP बढ़ेगी, जो एक नंबर नीचे जो फिगर लिख के आएगा, वो फिगर यार ऐसे नहीं मिलता, वो नंबर ऐसे नहीं मिलते हैं। दिस इज़ लिटविक। तो भाई लिटविक का जो मैंने इसका थर्ड वर्जन, तो सबका ही औसम होता है, ये लिटविक मुझे जब पहली बार मिला तो मैं हैरान था यार कि यार ये कैसा पोकेमोन है, मैंने देखा ही नहीं था कभी। और इसका ये वाला वर्जन देख के भी मैं हैरान हुआ था, पर मैंने देख रखा था, मैंने पहला वर्जन नहीं देखा था इसका। सो गाइस लिटविक के लिए जो स्टोन चाहिए अननोवा स्टोन, वो बहुत रेयर है, वो मिलता नहीं इजीली, मेरे पास एक पड़ा है। सो गाइस बेल्डम का थर्ड रूप सबके पास है, सेकंड रूप नहीं होता किसी के पास, क्योंकि जो बेल्डम का जो थर्ड रूप है मेटाग्रोस, वो सबको इजीली मिल रहा है। जैसे आप बैटल लड़ेंगे तो पहला रिवॉर्ड मेटाग्रोस ही है। ये जो है मैटेंग, ये सेकंड है, इसके बाद मेटाग्रोस आता है, तो हम इसको इवॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेटाग्रोस है। तो इसकी जो कैंडीज है हम लोग उसका यूज़ मेटाग्रोस में करेंगे, क्योंकि 100 कैंडीज का यूज़ करना। क्लिंक भाई, क्लिंक का कोई तोड़ ही नहीं है, जो उसका थर्ड रूप है उसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, स्टील फाइटिंग क्वालिटीज़ हैं इसमें, फाइटिंग का यार पता नहीं दिखते हैं कि नहीं, पर मैंने इसका देखा यार बहुत बढ़िया है, कोबिलियन की टक्कर वाला पोकेमोन है। हम लोग उसको एक, दोनों को एक फाइट में नहीं रह सकते, पर सही है भाई, जिम बैटल होगी इसमें बहुत काम आएगा, ये रेड बैटल में बहुत काम आएगा ये पोकेमोन। सो भाई ये स्टील टाइप है, तो स्टील टाइप भाई बहुत काम आता है, जो ये आते हैं ना आपके टोगेकिस, इसके टक्कर के लिए भाई बहुत ज़रूरी है। अब भाई मास्टर लीग में क्या होता है कि सबके पास होता है, तो उस केस में आप इनको लाइए आगे, स्टील टाइप पोकेमोन बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा काम करेंगे और इनकी वीकनेसेस कम है, सबसे बढ़िया बात ये है इनकी। सो गाइस चिमचर का ये थर्ड वर्जन भी है, तो उसके लिए भी हम लोग कैंडीज इकट्ठी कर रहे हैं।
और करते रहेंगे। सो गाइस, ये जो भी मैं कर रहा हूँ इवॉल्व, उसके सेकंड सेकंड हो रहे हैं। किसी एक आज के हम थर्ड तक पहुँचेंगे, पर अभी मैक्सिमम के सेकंड सेकंड हो रहे हैं। तो जब थर्ड आएगा तो हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे, इनको इकट्ठा करेंगे, वेट करेंगे जब तक ये सारे ना हो जाएं। कुछ पोकेमोन ऐसे थे जो मैंने फेवरेट में नहीं लगा रखे थे, उनको फिर मैंने बाद में ढूंढ के किया है। सो गाइस, बड़ा ही सुंदर पोकेमोन है ये भी, लुक्सियो लक्सियो लक्सियो। तो अपने पास आप देख रहे हैं जो जो पोकेमोन मेरी पोकेडेक्स में एंटर हो रहे हैं भाई, वो 600 XP तो पक्का दे ही रहे हैं, और जो 600 दे रहे हैं वो 1200 देंगे मुझे लकी एक। तो भाई ऐसा है कि इवॉल्व करने पे आपको 1000 तो मिल ही रहे हैं, तो 1000 की जगह 2000 क्यों ना लें। सो गाइस, ये जो पोकेमोन ने इवॉल्व किया है राल्ट, इसके क्या है ना, 4 रूप हैं, इसके बाद एक और होता है, पर इस रूप पे 2 ऑप्शन आते हैं। आप अगर सीनोस्टोन यूज़ करेंगे तो ये कुछ और बनेगा, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ और बनेगा। सो गाइस, काफ़ी हम लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। अब आ गया है विस्मर। तो विस्मर यार थोड़ा यार मिलता नहीं है, जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ बहुत रेयरली मिलता। तो अभी मिशन था कि 3 विस्मर पकड़ने हैं, तो ये बहुत पुराना मिशन था, मैंने अभी कुछ दिनों पहले कंप्लीट किया है। कैंडीज थी, अब जो ये बनेगा विस्मर लाउड करके, क्या बनता देखते हैं यार नाम, हाँ लाउड रेड। सो गाइस, लाउड रेड का एक मिशन आगे आने वाला है। तो अब क्या है कि जैसे मैं जो मिशन कर रहा होता हूँ तो मैं उनके आगे वाले मिशन भी याद रखता हूँ, ताकि बाद में फिर ये ना लगे यार कि थोड़ा रुक जाता तो ये हो जाता। तो मरेल का जो अपडेट वर्जन है वो मुझे एक इवेंट में मिल गया था। सो गाइस, अब 2 मरेल हैं, दोनों की CP में कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस IV में फ़र्क है, इसलिए मैंने दोनों को रख लिया। सो इनका जो बनेगा अपग्रेड वर्जन, उनमें से मैं एक को बाद में हटा दूंगा, क्योंकि यार अभी क्या अपने पास 350 का कैपेसिटी है, 350 पोकेमोन आराम से इजीली हम लोग रख सकते हैं। उसके आगे के लिए मुझे 200 पोकेकॉइंस यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि मैं कर रहा हूँ कलेक्ट अपना पास घर के पास जिम है, वहाँ एक पोकेमोन छोड़ देता हूँ, और अगले दिन 24 घंटे में एक दूसरा, मेरे पास 2 ID है, दूसरी ID जाके उसको हरा के फिर रख देता हूँ। सो गाइस, ये मरेल का दूसरा है, इसको भी हम इवॉल्व कर ही लेते हैं। अभी इस टाइम क्या कि जो भी है हाथ में मैं उसको इवॉल्व करने की सोच रहा हूँ, पर फिर भी मैंने बहुत सारे पोकेमोन इवॉल्व नहीं किए, जैसे कि मैं डिगलेट है, ये सब पोकेमोन मेरे पास, इनकी बहुत कैंडीज पड़ी हैं यार, इनको इवॉल्व कर सकता हूँ पर नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस, 2 हो चुके हैं आजू मरेल, ये हमें ग्रेट लीग में बहुत काम आने वाले हैं, ये ग्रेट लीग के लिए इनको तैयार करना है, हाइड्रो पंप है इनके पास। सो गाइस, ये हो चुके हैं मेरे फेवरेट पोकेमोन अपग्रेड। अब रंपल है, इसका 2 CP से मात खा गया, 2 CP बोल रहा हूँ, 2 कैंडी से, तो इसको हम अगली बार के लिए रखेंगे। सो गाइस, अब जो पोकेमोन्स मैं ढूंढ रहा हूँ वो पोकेमोन सबके फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि वो मैंने गलती से या फिर बाई चांस उनको मैं फेवरेट में लगाना भूल गया हूँ, या फिर लगाया होगा पर उसका ज़्यादा CP का मिल गया होगा, उसको मैंने हटा दिया होगा। तो 350 स्पेस की दिक्कत है कि यार आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, 3-4 उनके स्टाइल्स, 3-4 अलग अलग उसके। सो मैं गाइस ढूंढ रहा हूँ कुछ पोकेमोन जो कि मतलब मुझे याद नहीं आ रहे कि जिनकी कैंडीज पूरी हैं, रिक्वायरमेंट पूरी है। सो गाइस, ये एनोरिथ है, एनोरिथ यार इसका जो नेक्स्ट वर्जन आता है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। ये देख रहे हैं आप, पर्पस टर्टल का, स्क्वाटल का एक शाइनी टाइप था जो चला गया अभी ऊपर। सो मैचअप का एक ट्रिक ये है कि आप मैचअप को अपग्रेड करें और अपने दोस्त को ही बोले अपग्रेड करने को, इवॉल्व करने को, उसके बाद अगर ट्रैपिंच को मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा। तो मैचअप को आप इवॉल्व करें, अपने दोस्त को भी बोले इवॉल्व करने को, फिर बाद में थोड़ा ट्रांसफ़र कर लें, उससे आपकी 100 कैंडीज बच जाएंगी। ओनिक्स है मेरे पास, जिसकी यार 12 कैंडीज का डिफरेंस है, तो उसको नहीं कर पाऊँगा। ओमिनेट का भी शायद से पूरी है मेरे पास, पर अभी नहीं करूँगा क्योंकि कोई मिशन है शायद से आगे। तो बहुत सारे ऐसे पोकेमोन हैं जिसको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मिशंस हैं। स्क्रैगी, इसकी भी थोड़ी सी कैंडीज कम रह गई हैं। टिम्बर की भी एक ट्रिक है भाई,
टिम्बर को आप करो अपग्रेड, अपने दोस्त को ही बोलो अपग्रेड करने को, इवॉल्व करने को, और फिर ट्रांसफर कर लो भाई, जो भी आएगा ना यार बहुत फाड़ू बंदा आएगा। तो ये सफ़ेल है, इसकी मेरे पास पूरी कैंडीज़ है, पर भैया इसकी आईवी कम है यार, तो ऐसी कम आईवी को मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता। लर्मिटार भी अपने पास है, शाइनी में भी है लर्मिटार, तो चार्मेंडर को भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, पर वही है आईवी इतनी अच्छी नहीं है यार। कल मुझे बाई चांस मिल जाए चार्मेंडर जिसकी आईवी अच्छी हो, फिर भैया बेटर हो, क्योंकि चार्मेंडर का सीन लंबा है यार, मिलता भी कम है और लंबा भी सीन है। उसके लिए मुझे 124 चाहिए होंगी, 125 वो कैंडीज चाहिए होंगी। तो भाई एक ये है भाई, ये मुझे बड़ा यार सैड ही टाइप का लगता है, पर बहुत क्यूट लगता है, थोड़ी शक्ल इसकी सैड टाइप की है पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसका एक एपिसोड भी देखा है, एस कट जब उससे फाइट करता है, फर्स्ट बैटल लड़ता है जब एस, तो उसमें बड़ा क्यूट रिएक्ट करता है ये। तो इसका एक और रूप है, थर्ड रूप, तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनको करेंगे वो। ये जो 100 कैंडीज है ना यार, ये लेना थोड़ा मुश्किल रहता है, 25 कैंडीज सबको मिल जाती हैं, पर जो 100 है, तो भाई रियलू ये आज का सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन है मेरी साइड से, फाइटिंग पोकेमॉन है, बहुत फाड़ू है, इसकी वीकनेस भी बहुत कम है, फायर टाइप थोड़ी इसकी है वीकनेस, पर ये बहुत मस्त है। सो गाइज ये बनेगा एक खतरनाक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन है ये, लुकेरियो। ये जो भी है मेरे पास सिर्फ एक इवेंट की वजह से है, जो वो एग वाला इवेंट था, थैंक्स टू दैट इवेंट, उस इवेंट ने मुझे ये पोकेमॉन दिया है। तो वो पीवी मेरे पास बहुत सारे हैं, पर वो इवेंट वाले हैं यार, वो इवॉल्व नहीं होते। तो गाइज ये जो था लुकेरियो, ये मुझे स्टार्टिंग से चाहिए था, जैसे म्यू चाहिए था मेरे को, वैसे लुकेरियो भी चाहिए था, क्योंकि इस इवेंट से पहले लुकेरियो लेना बहुत मुश्किल था, पर अब यार बहुत लोगों के पास लुकेरियो होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के पास होगा लुकेरियो। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि कोई और मिल जाए, क्योंकि जैसे ईवी है मेरे पास, तो ईवी को मैं कर सकता हूँ इवॉल्व, पर ईवी को नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई मिशन आने वाला है, मैक्सिमम चीज़ों का रीज़न मेरा मिशन ही रहता है यार, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने वो चीज़ कर दी और उसके बाद मिशन आ गया। सो गाइस अपने पास पोकेमॉन तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वैराइटीज़ तो हैं। ये है लोटेड ग्रास प्लस वाटर टाइप पोकेमॉन, काफ़ी अच्छा है मिक्सचर इसका। सो ये मैजिकार्प एक और आ चुकी है मेरे पास। तो जिस दिन मैंने गैराडोस में बनाया, उसके अगले दिन ही मुझे काफ़ी मैजिकार्प मिली है। सो गाइस 50 पोकेमॉन अननोवो रीजन के मैंने पूरे किए हैं, तो ये सबसे सिल्वर मेडल मिला है मुझे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। भाई 42,000 XP आपने देखा होगा नीचे शायद। चलिए भाई थैंक यू गाइज़।